नमस्ते। नसी सूख जाने से आए हुआ कान का तमाम प्रकार का बहरापन अब बिना मशीन बिना ऑपरेशन के मिटा के घंटों में सुनने की क्षमता बढ़ाने की ट्रीटमेंट ढूंढ निकाली गई है। वैसे तो यह 50 वर्षों से कार्यक्रम चल रहा है, पर इसमें अब क्रांतिकारी परिवर्तन आए हैं। खूब सारी नवी दवाइयां शोध हो गई है। पेशेंट एक घंटे में एक कान ठीक कर सकता है, दूसरे घंटे में दूसरा कान ठीक कर सकता है। जन्म का बहरा बच्चा भी तुरंत सुनने लगता है। इसीलिए उनके आशीर्वाद के वीडियो सभी सोशल मीडिया पर डाले जा रहे हैं। कोई ऑपरेशन नहीं है, कोई सर्जरी नहीं है। हम लोग मानते हैं कि नसें सूखती नहीं है। विश्व के लोग मानते हैं कि कान में नसें सूख गई है, नसें अलग होती है। हम मानते हैं कि कान एक पांचवी इंद्रिय है और एज ए होल होता है। पूरा का पूरा कान पूरा मस्तिष्क के साथ में उसका संबंध होता है, मेमोरी के साथ में संबंध होता है और पूरे कान की सिस्टम मनुष्य के खुद के विचारों के साथ जुड़ी हुई है। इसलिए जितना बढ़िया काम हो कान होगा उतना ही बढ़िया जीवन बढ़िया से चला सकेगा। विश्व के अंदर अभी तक नशे सूख जाने से आए हुए कान का कोई भी इलाज न होने से लोग बड़े दुखी हैं, बड़े विचारों में पड़े हुए हैं, विश्वास नहीं होता है। इसीलिए लोग आसाम बंगाल बिहार नेपाल उड़ीसा साउथ दक्षिण से सब जगह से मेरे पास में आते हैं और ट्रीटमेंट करवा घंटों में ट्रीटमेंट करवा के चले जाते हैं। उनका 3 घंटे का प्रोग्राम होता है हमारे सेंटर पर। बहुत ही सुंदर व्यवस्था की गई है। पहले प्री टेस्टिंग होती है, उसके बाद में उसकी ट्रीटमेंट होती है, कितना बहरापना मालूम पड़ता है, उसके बाद में ट्रीटमेंट होती है। ट्रीटमेंट में लग्जूरियस वे है, एसी रूम है, सुला की ट्रीटमेंट होती है। उसके बाद में 1 घंटे के बाद में उसकी सेकेंड ट्रीटमेंट होती है, टेस्टिंग होती है और फिर उसके बाद में दूसरे कान की होती है। और तब वो कितना सुना है उसकी टेस्टिंग अलग होती है और फिर उनके आशीर्वाद के वीडियो बनते हैं। वो आशीर्वाद के वीडियो सोशल मीडिया पर इसलिए डाले जाते हैं कि विश्व के लोगों को यह मालूम पड़ सके कि डेफनेस इज नॉट ए डिजीज, बहरापन कोई रोग नहीं है। कान के तमाम प्रकार के रोगों की चिकित्सा संभव है। नशे सूख जाने से वे कान के तमाम प्रकार का बहरापन तो मिटता ही है। एक्सीडेंट से बिगड़े हुए कान भी ठीक होते हैं, ऑपरेशन से बिगड़े हुए कान भी ठीक होते हैं, सड़ांत से ठीक हुए बिगड़े हुए कान भी ठीक होते हैं, मेमोरी कम हो गई है तो भी ठीक हो जाता है। टीनिटस का खास इलाज करते हैं। संसार भर में कोई भी जगह तमरे आवाजें कान में जो तरह तरह की आवाजें से लोग परेशान है उसका कहीं भी इलाज नहीं है। तो मेडिकल लाइन में तो यह कहा गया है कि हमारे पास में उसका कोई इलाज नहीं है, पर हमारे यहाँ पर उसका परिणाम बहुत ही बढ़िया आ जाते हैं। हम लोग ये कहते हैं 1 घंटा में यदि तुम्हारी आवाजें कान की बंद भी हो गई है तो हम विश्वास नहीं करेंगे, इसलिए तुम्हें 3 महीने की दवाइयां साथ में इसलिए देते हैं कि तुम्हें परमानेंटली ठीक हो सको। एक मेडिकल लाइन में पहली दफा ऐसा प्रयोग हुआ है कि जब हम जानबूझ के 3 घंटे के बाद में ठीक होने के बाद में भी 3 महीने की दवाइयां और ट्रीटमेंट इसलिए देते हैं कि जितनी भी कमियां हैं दूर कर सको और अपने कान की क्षमताओं को ठीक कर सको, विश्वास दिला सको कि मैं ठीक हो जाऊंगा। उसके बाद में भी 3 महीने के बाद में भी जो लोग बच जाते हैं, एक्सीडेंट हुआ है, ऑपरेशन हुआ है, कैंसर हुआ है, सड़ान हुई है, गंदगी हुई है, उनको बाद में फिर से चांस मिलता है कि वो अपनी दाहर की दवाइयां मंगा सकते हैं। हे मित्रों, आप लोग घबराएं नहीं, पूरी का पूरा क्रांतिकारी परिवर्तन आया है। टेक्नोलॉजी साइंस बदल चुकी है, बहुत सीधे साधे प्रयोग हैं। कोई ऑपरेशन नहीं है, कोई सर्जरी नहीं है, कोई चीरफाड़ नहीं है, कुछ भी नहीं है। हंसते हंसते आना है, हंसते हंसते जाना है। और पहले आते हैं तो क्यूरियोसिटी होती है, सर कैसे होगा, क्या होगा, इस डॉक्टर ने यह कहा, उस डॉक्टर ने, हमने फलाने डॉक्टर को दिखाया, इसको दिखाया और आज हम लोग ट्रीटमेंट करवा के घंटों में ठीक हो रहे हैं। ऐसे ही आशीर्वाद के वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं। वृद्धों को भी आशीर्वाद है, वृद्धों के भी आशीर्वाद इसलिए दिए जाए कि 100 वर्ष का बुढ़ा भी ठीक हो सकता है। और कुछ भी हो, बहरेपन के लिए बहुत सरलतम इलाज ढूंढ निकाले गए हैं। घबराएं नहीं, अपने उन मासूम बच्चों को उस किल्लत वाली जिंदगी से बाहर निकालिए जो सुनते नहीं है, बोलते नहीं है, समझते नहीं। हमारा काम है सुनवाने का। जो जो माँ बाप अपने बच्चों को ट्रेनिंग दे सकते हो, पढ़ा सकते हो, लिखाते हो सुनवाने के बाद में, तो उनके बच्चों का निर्माण बढ़िया होगा। नहीं तो खाली सुनने से क्या होने वाला है? सुनने के बाद में तो आपको जीवन का निर्माण बच्चों का करना पड़ेगा ना। हे मित्रों, ये सारी वीडियो इसलिए डाली जा रहे हैं, ये बात इसलिए कही जा रही है कि संसार में आपको विश्वास हो जाए कि डेफनेस इज नॉट ए डिजीज, कोई रोग नहीं है। घंटों का काम है, मित्र मात्र घंटों का।
2-3 घंटों में ही आपको ठीक होके जाना है। और अहमदाबाद बड़ा सुरभ, हमने स्पेशल कैंप इसलिए लगा रहे हैं कि उससे लोगों को फायदा हो जाए, समझ जाए कि बहुत जल्दी ठीक होने वाले हैं। और गुजरात के अंदर झूलती मीनार है, गांधी आश्रम है, गुजरात के लोग बड़े प्यारे हैं, अच्छे हैं, सबसे मिलिए, बातें करिए, और अपनी दुनिया में गुजरात के अंदर क्या प्रभाव हुआ है, गुजरात की सुंदर सड़कें, महल जैसे घर, सुंदर लोगों का व्यवहार, आतिथ्य स्वीकार करिए और हमें आशीर्वाद दीजिए ताकि हम अच्छे से कार्य को और अच्छा कर सकें। प्रणाम।